नमस्कार, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि अपन भारत की संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। और आज जो अपना टॉपिक है वह है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या है समझते हैं। मूल कर्तव्य और एक जो इससे पहले अपने डिस्कस किया था वो थे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अगर देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक हैं। यानी समय और परिस्थिति के आधार पर कोई व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर्तव्य बन जाते हैं और कोई किसी के लिए कर्तव्य बन जाते हैं तो दूसरी परिस्थिति में वो उसी के लिए अधिकार बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन समझ सकते हैं कि एक परिवार में माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, तो माता पिता का कर्तव्य ये होता है कि वो उनके बच्चों का लालन पालन बड़े ही अच्छे ढंग से करें, अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे, उनको योग्य नागरिक बने जो देश के विकास में भागीदारी सुनिश्चित कर सके। और उसी के संदर्भ में अपन बात करते हैं कि उन्हीं बच्चों का माता पिता के प्रति जो रहता है वो अधिकार रहता है। उनका ये अधिकार है कि वो माता पिता से अच्छे स्वास्थ्य के हेतु अच्छा खान पान की बात करें, उनके शिक्षा की बात कर सकते हैं और वो उनको पाने के लिए वो कहीं ना कहीं अधिकृत है। उनका ये अधिकार माना जाएगा कि वो आधिकारिक रूप से उस चीजों को ग्रहण कर सकता है। तो यही मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के बीच में एक संबंध माना जा सकता है। और अपन बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की, तो ये जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के शुरुआत में या कह सकते हैं संविधान जब लागू किया गया था उस समय ये स्थिति में नहीं थे, उनको बाद में जोड़ा गया है। मौलिक और इनको मूल भी कह सकते हैं, मूल कर्तव्य। ये बाद में जोड़ी गई व्यवस्था है और ये जो बाद में जोड़ी गई थी वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ी गई थी। संविधान में बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। यह सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर इनको है वो विचारित करके जोड़ा गया। तो इनको जोड़ने के लिए अपन बात करते हैं तो वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं सरदार स्वर्ण सिंह। और उनको जोड़ने के लिए मूल कर्तव्य में संविधान भाग चार में भाग चार क जोड़ा गया, भाग चार क जोड़ा गया है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद में जो इनको स्थान दिया गया वह दिया गया 51 में जोड़ा गया। इस तरह से संविधान में उनको है वो जगह दी गई और ये एक संविधान में है वो अपने स्थान पा लिया है। और तब से व्यक्तियों के लिए क्या किया गया कि आपका जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों को आपको निभाना है। उन कर्तव्यों को निभाने से देश में कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेदारी है, आर्थिक जिम्मेदारी है, वो है बैलेंसिंग बनी रह सकती है, उनको है वो समझाया जा सकता है। जब इन्हें जोड़ने की बात की गई थी या कह सकते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो इनकी अनुशंसा की उस अनुशंसा के आधार पर 8 मूल कर्तव्यों की अनुशंसा की गई थी, लेकिन इनको जोड़े गए तब जोड़ने वालों की संख्या कितनी थी वो 10 थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। जब जोड़ा गया था तो मूल अधिकारों की जो संख्या थी वो 10 थी। तो उस समय मूल कर्तव्य है उस समय मौलिक कर्तव्यों की
मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 10 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या ग्यारह है, ठीक है। तो यही अब प्रमुख मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो इसको अपने बात कर सकते हैं। कभी कभी ये परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो मूल कर्तव्य है वो कहां से प्रभावित है, तो ये रूस की व्यवस्था से प्रभावित है। ये भी आप ध्यान रखने वाली बात है कि रूस से प्रभावित है या रूस से लिए गए, रूस से प्रभावित व्यवस्था है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो अपने रूस जो है, रूस की विचारधारा से प्रभावित किए गए हैं, वहां से लिए गए हैं। अपन बात करते हैं कि मूल कर्तव्यों को जापान में भी है वो इनको स्थान दिया गया। जापान के संविधान में भी इनकी जो स्थिति है वो काफी उच्च है, और वहीं के संविधान से भी अपने भारत के संविधान पर प्रभाव माना है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो है वो रूस की व्यवस्था से अपने संविधान में इनको दिया गया है। प्रमुख मूल कर्तव्य कौन कौन से, नजर डालते हैं इनको। तो प्रमुख मूल कर्तव्य की बात, प्रमुख मूल कर्तव्य, हालांकि कर्तव्य के संदर्भ में ये बात है कि इनको पूर्ण करने या नहीं करने पर कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं है कि जिसमें व्यक्ति को है वो सजा मिली जाए या उसको सजा दी जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से इसको है वो अलग रखा गया है, या ये कह सकते हैं पूर्ण रूप से एक अलग तरह की व्यवस्थाओं में लिया गया है। तो इसमें जो देश के नागरिक है उन नागरिकों के कर्तव्यों की बात की है कि वो देश के संविधान, देश की व्यवस्था, पशु पक्षी, पर्यावरण, जनता, इन सभी चीजों के बारे में एक कर्तव्य के रूप में है वो अपना विचार प्रकट करते रहे, इन कर्तव्यों का निभाते रहे। जैसे पहला ही कर्तव्य दे रखा है कि देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, उनके आदर्शों का पालन करे, उनसे संबंधित जो संस्था है उन संस्थाओं का पालन करे, राष्ट्रध्वज का पालन करे, राष्ट्रगान का वो आदर करे, सम्मान करे। तो जो पहला संविधान, पहला जो मूल कर्तव्य है संविधान में वो यह है कि नागरिक भारतीय संविधान नागरिक भारतीय संविधान का पालन करे, आदर करे, इन संविधान का पालन करे, आदर करे, और संस्थाओं का सम्मान करे, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज का आदर करे, जो अपना राष्ट्रध्वज है उसको बिल्कुल आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो कि उसका है वो सम्मान नहीं बना रहे, तो उसका सम्मान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो अपने देश का एक प्रतीक के रूप में माना जाता है, तो उसका है भी रहता है, और राष्ट्रगान का भी आदर करे, राष्ट्रगान का आदर करे। तो देश की जो संविधान और संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े जो भी संस्था है, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, इन सभी का है वो एक आदर करने की बात की, सम्मान की बात की, वो प्रत्येक देश के नागरिक का एक मूल कर्तव्य माना जाए कि उनका कर्तव्य है कि वो इस तरह की व्यवस्थाएं करे। साथ ही अपने देश आजाद होने के समय जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, उस आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो विचारधारा हैं, उनके जो आदर्श है, उनको प्रत्येक नागरिक हृदय में संजोए रखे, हृदय में उनको स्थान दे, उसके प्रति आने वाली पीढ़ी को भी बताए और उनका पालन करे, जिससे देश के विकास में उसकी भागीदारीता है वो सुनिश्चित की जा सकती है। तो उसके लिए अपन कह सकते हैं कि जो दूसरा है वो मूल कर्तव्य है, दूसरा मूल कर्तव्य इस तरह से है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कौन स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए। हृदय में संजोए एवं उनका यानी उनको हृदय में संजो के रखना है, ठीक है, और उनका पालन करना जरूरी है, उनका पालन करना। तो ये भी अपने प्रत्येक नागरिकों के मूल कर्तव्य में समाहित है कि स्वतंत्रता के लिए अपने जो भी राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं उन सभी राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो भी आदर्श रहे हैं, जो विचारधारा रही है, उनको कहीं ना कहीं प्रत्येक नागरिक के हृदय में संजोई हुई होनी चाहिए। उसके प्रति उसका मान और सम्मान है वो बना रहे और उनका पालन भी करता रहे, जिससे भारत की जो एकता अक्षुणता है उसको बनी रहे और देश के लिए जो एक स्वाभिमान स्वाभिमान की जो बात आती है उसको भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से प्रत्येक नागरिकों को ये अधिकार दिए गए, सॉरी नागरिकों को कर्तव्य दिए गए हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना उनके लिए आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की एकता एकता अखंडता यानी पूरा भारत है वो एक रहे, उसको एक ही बना रहने देने, उसको तोड़ने की विचारधारा है वो नहीं करे। तो भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता को अक्षुण रखे। यानी भारत की एकता कभी खतरे में नहीं पड़े, उसकी अखंडता बनी रहे, उसका प्रभुत्व, उसका जो एक संप्रभुता की बात होती है वो संप्रभुता है वो बना रहे, वो अक्षुण रहे, उसकी रक्षा करने का जो कर्तव्य है तो अक्षुण रखे और रक्षा भी करना है तो रक्षा भी अपने को करनी है इसकी। ये भी कहीं ना कहीं नागरिकों का है वो कर्तव्य माना जाता है कि इस तरह की विचारधारा उन्होंने बनी रहे ताकि देश के प्रति सम्मान है वो बना रहेगा और उसके आदर्शों में बढ़ावा ही मिलेगा। देश के नागरिक है उसके प्रति मान सम्मान है वो बना रहेगा। कभी कभी ऐसी देश के लिए रक्षा की बात आ जाती है और उसके लिए आह्वान किया जाए तो आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा है वो प्रत्येक नागरिक को करनी है। उस संदर्भ में प्रत्येक युवाओं को, युवतियों को, देश के नागरिकों को आगे आना होगा। तो अपन कह सकते हैं कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें वो आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें या देश की सेवा करें। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की या देश की है वो रक्षा करने के लिए प्रत्येक नागरिक को तैयार होना चाहिए जिसके देश के विकास में भागीदारीता बनी रहे, देश के प्रति मान सम्मान अपना बना रहे, उसके मान के लिए अपन सभी देशवासी है वो तैयार दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में बात करते हैं कि भारत की सभी जनता में समरसता, समान पात्रत्व की भावना का निर्माण करे। यानी भारत की सभी जनता में समरसता व समान पात्रता का निर्माण करना है। भारत की सभी जनता में समानता एवं
समरसता का निर्माण करना, भारत की सभी जनता में एक इक्वलिटी की बात की जाए, समान रहो तो समानता की बात करनी, समानता व समान पात्रता का निर्माण करना, जो धर्म भाषा और प्रदेश, जो धर्म भाषा प्रदेश या प्रदेश से तात्पर्य है जो प्रांत होता है, जो राज्य होता है, जो देश होता है उसके संदर्भ में बात है, तो प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। परे हो या दूर हो, यानी भारत की सभी जनता को एकता की बात की गई है, सभी जनता में समानता की बात की गई है, और जो समरसता यानी सभी को, सभी के प्रति दया का भाव, एक समानता का भाव जो विचार किया जा सकता है, उस समरसता का निर्माण करना है, जिससे धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग पर आधारित कोई भेदभाव हो, ऐसी भेदभाव की विचारधारा वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई ऐसी विचारधारा है, ऐसी प्रथा है जो भेदभाव से जुड़ी होती है, तो उसका त्याग करें, और जो विचारधारा स्त्रियों के सम्मान के लिए उचित नहीं है, ऐसी विचारधारा का भी त्याग करना, तो उसी के संदर्भ में अपन बात कर सकते हैं कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कहावत है कि यत्र रमन्ते देवता तत्र पूजन्ते नारो, या ये कह सकते हैं यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है, वहीं देवता है वो रहते हैं। तो उसी विचारधारा से अपने भारत के संदर्भ में बात की जाती है कि ऐसी कोई विचारधारा, ऐसी कोई प्रथा जो स्त्रियों के मान और सम्मान में दूरी पैदा करे, उनके मान और सम्मान को ठेस पहुंचाए, उन सम्मान के विरुद्ध हो, तो ऐसी विचारधारा को है वो त्याग करना है। उस त्याग करने से ही देश का विकास हो सकता है। अपने देश में बहुत सी ऐसी कुप्रथा रही है, जैसे पहले स्त्रियों को है वो घरेलू कार्यों तक सीमित समझा जाता था, उनको समानता का अधिकार नहीं था, उनको घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, वो केवल और केवल एक घर की वस्तु तक सीमित हो गई थी। तो ये जो विचार थे वो भी कहीं कहीं अपने देश में कुप्रथा की ओर इंडिकेट कर रहे थे। उसी के साथ साथ में अपन देखते हैं कि नारियों के साथ कन्या वध हत्या जैसी भी एक कुकर्म घटना जो अपने भारत में प्रचलित थी वो भी थी, वो भी ऐसी विचारधारा अपने देश में नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ अपन देखते हैं कि कहीं जगह महिलाओं को सती प्रथा के रूप में उनको पति के साथ मरने की व्यवस्था भी थी, कि उनकी पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी, वो पति की जलती हुई चिता में उनको अपने जीवित रूप में उनको है वो समर्पित होना पड़ता था। तो ऐसी जो विचारधारा थी अपने देश में तो वो कहीं के उनके सम्मान के विरुद्ध थी। तो ऐसी कोई प्रथा है, ऐसे कोई विचार है तो उसको भी अपने को बंद करना है। अभी कहीं कहीं अपने को देखने को मिलता है कि या तो बाल विवाह किया जाता है, तो बाल विवाह भी उनके सम्मान के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता, ऐसी प्रथा का भी त्याग करना चाहिए देश में। हालांकि इसमें कानून भी बन चुके हैं और काफी सुधार भी हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं के ग्रामीण परिवेश में या कहीं ऐसी चोरी छिपे ऐसी प्रथाओं को देखा जा सकता है, तो वो भी इसके खिलाफ मान सकते हैं अपन कि उन सभी सम्मान, उन सभी प्रथा है उनका है वो त्याग हो जाना चाहिए, ताकि स्त्रियों की वो मनोदशा है वो उच्च स्तर की बनाई जा सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना जो चटामूल कर्तव्य है उसकी बात करते हैं। तो चटामूल कर्तव्य है कि हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की, हमारी सामाजिक या सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना है और उसका परीक्षण करना है। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा अपनी जो परंपरा रही है वो काफी गौरवशाली रही है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरव
खाली परंपरा का परीक्षण करना। ये कह रहा है कि हमारी जो गौरवशाली परंपरा है उस परंपराओं को समझना है, उस परंपरा को परीक्षण भी करना है, उनकी महत्व को समझना है, ये भी जरूरी है। तो गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करें, महत्व को समझें। महत्व को समझे तो ये भी अपना एक मूल कर्तव्य है कि भारतीय संस्कृति के परिवेश में भारतीयों की जो गौरवशाली परंपरा रही है प्राचीन समय से, जो उस परंपरा को भी समझना है, परीक्षण करना है, उसमें ये देखना है कि कोई ऐसी प्रथा है जो भारत की एकता, अखंडता, समरसता को विखंडित कर रही है, या अलगाव की स्थिति पैदा कर रही है, या एक देशा को एकता के सूत्र बांधने से वंचित कर रही है। ऐसी अगर कोई विचारधारा है तो उसको परीक्षण करना है और उस विचारधारा ऐसे बिंदु को हटाना है, बाकी अपनी एकता और समरसता की बात करने वाली विचारधारा को समझना है, उसकी महत्वता को समझना है और उसको आगे से आगे बढ़ाना है। ये प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना जाता है। तो अपने देश में भी अपने जो नागरिकों का कर्तव्य है वो यही है कि अपनी गौरवशाली जो परंपरा रही है उस परंपरा को समझे, उसका परीक्षण करे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझे और नारियों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, सभी के सम्मान के लिए आगे से आगे अपन आते रहें। अब अपना भारत देश है वो काफी समृद्ध है, विकासशील की स्थिति में है, तो यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण है वो विचित्र रहता है। तो अपने प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें अपन समझ सकते हैं वन आते हैं, झील आते हैं, नदी आते हैं, वन्य जीव हैं, उन सभी की रक्षा करने की बात की जाती है, उनके संवर्धन करने की बात की गई है और प्राणी मात्र के प्रति अपने जो दया भाव है वो रखने की बात की गई है कि प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति अपने को क्या करना है, दया भाव रखना है। ऐसा नहीं कि जीव जीवन से भोजन के संदर्भ में अपने वो खाद्य श्रृंखला है वो प्रभावित कर दे, जिससे कहीं ना कहीं पर्यावरण श्रृंखला है वो प्रभावित होगी और उस प्रभावित होने से कहीं ना कहीं मानव जीवन पर उसका प्रभाव है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। वर्तमान में अपन देखते हैं तो सारा का सारा जो प्राकृतिक वातावरण है वो पूरा उसका संतुलन है वो बिगड़ चुका है। जिस मौसम में सर्दी होती है उसमें सर्दी बराबर नहीं होती है, जिस मौसम में बरसात होनी चाहिए वो नहीं होती है, बेमौसम बारिश हो जाती है, बेमौसम गर्मी हो जाती है, या फिर कह सकते सर्दी हो जाती है। तो ये जो प्राकृतिक वातावरण जो बिगड़ रहा है उसके लिए भी कहीं कहीं अपन जिम्मेदार माने जा सकते हैं। तो उसके संदर्भ में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा और संवर्धन करने की जिम्मेदारी भी अपनी बनती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं साथ में प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण जिसमें वन्य जीव, झीले ये भी इसमें सम्मिलित हैं, नदियां आदि आती हैं, यानी प्राकृतिक वातावरण कह सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण जिसमें वन जीव, नदियां, ठीक है, वन्य जीव, झीले, नदियां आदि जिनकी रक्षा करें, इसको वातावरण कह सकते हैं या पर्यावरण भी कह सकते हैं, एक ही बात है। रक्षा करें तो ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य रहता है कि प्राकृतिक वातावरण या झील, प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ी कोई भी चीज होती है उनकी रक्षा करनी है, वन्य जीव, झीले, नदी आदि उनकी रक्षा करने और साथ ही रक्षा करने के संदर्भ में उनका संवर्धन भी करना है, उनको आगे से आगे बढ़ाना भी है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उनके प्रति वो अपना विचार प्रकट कर सके, अपना भाव प्रकट करे, तो उनको संवर्धित भी करना है, संवर्धित करे। ये भी प्रत्येक नागरिकों के मूल कर्तव्यों की श्रेणी में आता है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य रहता है कि वह पर्यावरण से जुड़ी जो भी चीजें होती हैं उनके प्रति अपना भाव है वो सकारात्मक रखें, उसमें जीव, झीले, नदियां जो भी रहती हैं उनकी रक्षा करें, उनको संवर्धित करें, जिससे प्राणी मात्र के प्रति है वो अपना दया भाव है वो बना रहे। उसी के साथ साथ में हम बात करते हैं कि आज के समय का जो है, आज का समय है वो वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग होने के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका है विकास बहुत ही आवश्यक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान का अर्जन करना, सुधार की भावना का विकास करना, ये भी सभी इसी के पात्र माने जाते हैं। तो आठवां जो मूल कर्तव्य माना जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, यानी विज्ञान के दृष्टिकोण से हर चीज को समझना, उसको देखना, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। तो ये प्रत्येक नागरिक का भी मूल कर्तव्य माना जाता है कि भारत का जो नागरिक है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करे, मानवों के प्रति भाव रखे, मानववाद को समझे, उनके ज्ञान में वृद्धि करे और उन ज्ञान में वृद्धि करने के बाद अपने देश में क्या अच्छा सुधार किया जा सकता है, उस सुधार की भावना को लेकर उनका विकास करना है। यही प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य माना जा सकता है और अपने कर्तव्य को समझते हुए इनके प्रति है वो अपना आदर भाव विकसित करना रहता है। नेक्स्ट, इसी के संदर्भ में अपन नवे मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं और नवा मौलिक कर्तव्य कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, यानी अपनी जो सार्वजनिक संपत्ति है उन सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखना है और किसी तरह की हिंसा नहीं करनी है। सार्वजनिक संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति वो संपत्ति होती है जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं होता है, ऐसी सारी की सारी संपत्तियां सार्वजनिक मानी जाती हैं। वो देश की संपत्तियां मानी जाती है, वो जनता की संपत्तियां मानी जाती है, वो सभी की संपत्तियां मानी जाती हैं जिस पर किसी का एकल अधिकार नहीं होता। तो ऐसी जो भी संपत्ति होती है जो तो उन सभी संपत्तियों की है वो अपने को सुरक्षित रखना है, उनकी तोड़फोड़ नहीं करनी है, वो जनता की है, देश की है, उसकी महत्वता को समझना है तो उसको सुरक्षित रखना है और किसी तरह की हिंसा, मानवीय हिंसा, प्राकृतिक हिंसा, जीवों के प्रति हिंसा, किसी के प्रति झूठ फरेब, ये सारी जो विचारधारा होती है इन सभी से प्रत्येक नागरिक को है वो दूर रहना उचित रहता है। तो उनसे अपने को क्या करना है, दूर रहना होगा। ठीक है, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से क्या करना है, दूर रहना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि दसवां मूल कर्तव्य क्या है। तो दसवां मूल कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के, यानी स्वयं का या फिर सामूहिक गतिविधियों का जो सभी क्षेत्र में है उसकी उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का जो प्रयास होता है वो प्रयास कंटिन्यू रखना है, जिसमें राष्ट्र का निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई है ऊंचाइयों को है वो छुआ जा सकता है। तो इस तरह से दसवें मूल कर्तव्य की बात की गई है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपने दसवां मूल कर्तव्य। दसवां मूल कर्तव्य यह है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत व सामूहिक सभी गतिविधियों में व्यक्तिगत व सामूहिक सभी गतिविधियों में, यानी कह सकते हैं कि कोई ऐसी गतिविधि जो व्यक्ति से जुड़ी हुई है या कोई ऐसी गतिविधि जो पूरे समुदाय से जुड़ी हुई है, उन सभी गतिविधियों में सभी क्षेत्र में, यानी सभी गतिविधियों से जुड़ा सभी क्षेत्र हैं वो सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष कह सकते हैं, आगे की ओर कह सकते हैं, उत्कर्ष और आगे की ओर बढ़ने की बात एक ही हो जाती है, तो उत्कर्ष से आगे की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करना चाहिए। सतत या लगातार एक ही बात है, सतत या लगातार।
लगातार बढ़ना चाहिए, नहीं उसका विकास है वो क्रम है वो रुकना नहीं चाहिए, जिससे देश निरंतर यानी देश है वो आगे से आगे बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि के नई ऊंचाइयों को छू सकता है। तो अपन शॉर्ट में कह सकते हैं जिससे राष्ट्र नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो। तो 10वां मूल कर्तव्य है वो भारतीय नागरिकों के संदर्भ में ये बात करता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक रूप से हो, उन सभी गतिविधियों को उन सभी कार्यों को ऐसे करना है कि जिससे उसका विकास हो, उसके आगे बढ़ने की भावना हो, वो आगे बढ़े, जिससे लगातार वो आगे बढ़ते रहे धीरे 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 और इस तरह से आगे बढ़ते रहे कि देश है वो नई ऊंचाइयों को है वो छू सकता है, उसके कीर्तिमान को प्राप्त कर सकता है और कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भारत का नाम है वो उस स्तर पर हो, तो ऐसे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक उसी के बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद जो हुआ तो उसके बाद 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वो 86वां संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है। ग्यारहवां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है और उसमें माता पिता व अभिभावक के संदर्भ में कहा गया है कि उनका पूरा कर्तव्य रहेगा कि वह बच्चे को 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक बालक को है वो शिक्षा से जोड़े, शिक्षा के द्वारा इनको जोड़ा रखे। ठीक है, तो 6 वर्ष तक से छह वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को माता पिता एवं अभिभावक कर्तव्य। यानी माता पिता या अभिभावक जो भी हैं उनका यह कर्तव्य रहेगा कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो भी बालक बालिका हैं उनको शिक्षा से जोड़े और उनको शिक्षा है वो उपलब्ध करवाएं। तो इस तरह से किसी बच्चे को है वो स्कूल से वंचित नहीं करे। तो ये जो कर्तव्य जोड़ा गया 11वां वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद जोड़ा गया है। और इस तरह से वर्तमान में मूल कर्तव्यों की बात की जाए तो वर्तमान में मूल कर्तव्य वो है 11 मूल कर्तव्य है, पूर्व में मूल कर्तव्यों की संख्या है वो 10 थी। इस तरह से देश के नागरिकों को मूल कर्तव्य के बारे में है वो बताया गया है ताकि देश के विकास में देश की उन्नति में योगदान दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में क्या फर्क होता है। तो ये कोर्ट की परिभाषा के अनुसार ये बताया है कि मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार जो है वो न तो अलग है और न सम्मिलित है, वो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की विचारधाराओं से माने जा सकते हैं। तो ये पूरक की स्थिति में है, यानी मूल कर्तव्य और मूल अधिकार पूरक है, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं।
एक किसी का अधिकार है तो किसी का कर्तव्य है, जो किसी का कर्तव्य है तो दूसरे के लिए अधिकार बन जाता है, अतः ये एक दूसरे के पूरक है, पूरक की स्थिति में ही रहते हैं, एक दूसरे का है वो बैलेंस है वो बनाया जा सकता है। उसी के संदर्भ में बात करते हैं तो जो मूल कर्तव्य होते हैं वो अपने देश की परंपरा, अपने जो प्राचीन कथा है कहानियां हैं, कथा कहानियां धर्म या उनसे जुड़े होते हैं, यानी प्राचीन परंपरा कथा कहानियों से जुड़े होते हैं। तो ये प्राचीन परंपरा कथा पौराणिक मान्यता पौराणिक मान्यताओं से जुड़े हैं, यानी इन विचारधाराओं है जिसमें देश में एक योग्य नागरिकता का विकास किया जा सकता है, इन सभी चीजों के लिए है, ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है वो केवल और केवल अपने देश के नागरिकों के लिए है न कि विदेशियों के लिए, तो ये भी अपन समझ सकते हैं कि ये देश के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। देश के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। देश के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात हो जाती है कि जो मौलिक कर्तव्य का कोई पालन नहीं कर रहा है तो क्या हो सकता है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य का पालन एक कर्तव्य माना गया है, वो नागरिक का कर्तव्य है, अगर वो नहीं भी करता है या कोई ऐसी स्थिति बन जाती है तो उसके लिए उसको न्यायालय में है वो दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, उसके लिए कानूनी परंपरा है वो कानूनी बात नहीं की जा सकती है। तो ये कह सकते हैं गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है, न्यायालय में उसके खिलाफ वाद है वो दायर नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये अपने व्यवस्थाओं में जुड़े रहते हैं। तो आज के अपने इस संविधान के इस टॉपिक मूल कर्तव्य के बारे में अपने समझा, और अपने जो मौलिक कर्तव्य थे 11 कर्तव्य इनको मैंने बताने का प्रयास किए हैं। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। आपके संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए अपने इतनी ही बात करते हैं, नेक्स्ट आगे के क्लास में बात करते हैं। धन्यवाद।